वन हम अपनी स्कीम के थ्रू स्टूडेंट्स को बताएंगे अबाउट टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल शेप्स जो हमारे आसपास होती हैं। तो टीचर क्या करेगा, सारी क्लास को दो टीम्स में डिवाइड कर देगा, टीम ए एंड टीम बी। टीम ए जो है सारे इन शेप्स के पीछे खड़ी हो जाएगी एंड टीम बी विल स्टैंड ऑन दिस साइड ऑफ ऑल दीज शेप्स विच आर एक्चुअली थ्री डायमेंशनल शेप्स। अब टीचर क्या करेगा, टीचर जनरली किसी एक ऑब्जेक्ट को सपोज मोबाइल फ़ोन वो बोलेगा और दोनों टीम्स को मौका दिया जाएगा कि दोनों टीम्स डिसाइड करें कि थ्री डायमेंशनल में ये जो मोबाइल फ़ोन है हमारा ये कैसा दिखता है। इसी तरह टीम ए डिसाइड करेगी कि उस मोबाइल फ़ोन के कॉरस्पॉन्डिंग टू डायमेंशनल शेप इनमें से कौन सी बनती है, या हम ये कहें कि अगर उस मोबाइल की शेडो हमने देखी तो वो शेडो कैसी दिखाई देती है। तो जो स्टूडेंट टीम ए का या टीम बी का अपनी करेक्ट शेप पिक करके इस सेंटर में पहले पहुंचेगा वो विनर होगा। लाइक टीम बी का अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से क्यूबॉइड उठा के ले आता है और यहाँ से रेक्टेंगल उठा के ले आता है, जो भी जल्दी लेके आएगा वो विन करेगा। सपोज़ कोई यहाँ से स्क्वायर उठा के ले आया, कोई यहाँ से अगर ये लेकर आता है शेप ऑफ क्यूबॉइड लेकर आता है, तो ये वाला बच्चा विन कर जाएगा, ये लूज कर जाएगा एंड विनर विल बी अवॉर्डेड 5 मार्क्स एंड द गेम कंटिन्यूज। अगर टीचर बोलता है बॉल, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि थ्री डायमेंशनल में बॉल ये रिप्रेजेंट करती है शेप एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग टू डायमेंशनल शेप जो है हमारी सर्कल होती है। जो भी टीम का बच्चा पहले अपनी करेक्ट शेप लेकर सेंटर पॉइंट पर पहुंचेगा वो हमारा विनर होगा एंड विल बी अवॉर्डेड 5 मार्क्स एंड द गेम कंटिन्यूज। थैंक यू।